गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है और टेंस का आज 40वां दिन है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, पहले आप हिंदी में देखेंगे। अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा तो पहले स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर दिए हैं अफर्मेटिव में, तो पहले स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, मतलब क्या लगा देना है और दूसरे वाले में भी क्या लगा देना है फ्रंट पर। देख लीजिए फ्रंट पर लग गया, अरे इसको अगर हम ढक देते हैं क्या को तो क्या बन जाएगा, देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो पहले और दूसरे दो ही स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव में, दोनों में हम क्या लगा दिए तो यह बन गया यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मार्क का इंट्रोगेशन लग गया। अब हम क्या करते हैं, क्या को हटा देते हैं यहां से, ठीक ना। प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हम इसी स्ट्रक्चर में, देखिए अफर्मेटिव वाले में भी यही अफर्मेटिव है, यहां पर धातु के पूर्व हम प्रश्नवाचक शब्द लगा देते हैं तो दो स्ट्रक्चर और प्राप्त हो गए, कुल चार हो गए और दो स्ट्रक्चर्स और भी बनेंगे, उनको मैं यहां पर नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि जगह ज्यादा कवर कर लेगा तो इंग्लिश देने में दिक्कत हो जाएगी। तो पहले तो हम इसको समझेंगे चार को, तो जो पहले दो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे क्या लगा करके एसरो टाइप इंट्रोगेटिव, उसके लिए इंग्लिश में केवल एक, देखिए सर आदमी मीन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स फॉर फर्स्ट एंड सेकंड, ओके हो गया। अब सर का प्रयोग किसके साथ होता है मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक ना, कहा नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस में तो बार बार वो चर्चा नहीं होगी, सिक्वेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नए व्यूअर हो, वीडियो क्लिक किए हो तो बंद कर दो, कहाँ जाओ अफर्मेटिव वाला पहले पढ़ो, अफर्मेटिव वाला पढ़ो तब यहाँ आओ, ठीक। तो सारे आगे बिल में से दोनों हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा देंगे, तो ये दो जो है एसरो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हो गया। अब चलिए इसके बाद थर्ड और फोर्थ के लिए ये सेकेंड है, यानी यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है धातु के पहले, तो आप क्वेश्चन वर्ड फ्रंट पर जोड़ दोगे इसी स्ट्रक्चर में, फ्रंट पर, फ्रंट का मतलब सामने एकदम, तो फ्रंट पर आप क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिए हो गया, देखिए मार्क का इंटरोगेशन लग गया फॉर थर्ड एंड फोर्थ। अब ये जो है तीसरा जो बना है किसके लिए, हिंदी में पांचवें और छठवें के लिए, तो पांचवा जो है फिफ्थ और सिक्स्थ का स्ट्रक्चर मैं नहीं दिया हूं, उसको मैं समझा देता हूं, आप चाहे तो बना लीजिएगा, सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरे में आप क्या कर देंगे, इस प्रश्नवाचक शब्द के बाद यहां और धातु के बीच में संज्ञा जोड़ देंगे। फिर फोर्थ में आप क्या करोगे, प्रश्नवाचक शब्द के बाद और धातु के पहले आप संज्ञा जोड़ करके फिफ्थ और सिक्स्थ बना लेंगे, तो उनके लिए इंग्लिश का ये हो जाएगा। और जैसे ही प्रश्नवाचक शब्द के बाद संज्ञा आएगा इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इसी स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत वो नाउन आ जाएगा, बाकी चीजें जवाब का क्यों फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ, कल्पना कीजिए, ठीक ना। तो इसकी जी पांचवे की पांचवा क्या हो जाएगा, यहाँ पर संज्ञा जोड़ देंगे, छठवा क्या हो जाएगा, यहाँ पर संज्ञा जोड़ देंगे, तो उसके लिए थर्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर तो आप समझ लिए, अब हम सीधे एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक ना। तो चलिए और एक बात और, अफर्मेटिव सेंटेंस में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि इसका प्रयोग किस टाइम में होता है, तो इसका प्रयोग फ्यूचर टाइम में होता है, फ्यूचर टाइम के लिए होता है, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, इसका प्रयोग कहाँ होता है, होगा होगी क्या, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, ठीक वही सेम चीज यहाँ भी आएगा, सेम चीज यहाँ भी आएगा, ओके। तो फटाफट एग्जाम्पल बताते हैं,
इंग्लिश वाला हाथ हटा देते हैं, हिंदी वाला रहने देते हैं, ठीक है ना। अंग्रेजी सीखोगे? सीखोगे देख लीजिए तो सीखना होता है। अब थोड़ा सा भाव चेंज होता है किसके साथ? फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ। अगर यहां फर्स्ट पर्सन है तो धातु प्लस ऊ हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन है तो धातु प्लस देखिए ओ हो जाएगा। तो हम तीनों नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, आप उसको समझ लीजिएगा कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो क्या हो जाएगा? तू हो जाएगा और सेकंड है तो वो हो जाएगा। देखिए सीखना तो सीखोगे ये वाला आ रहा है, ठीक है ना। और फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सीखूंगा, समझ गए ना। तो इनको अगर छोड़ दिया जाए तो थर्ड पर्सन के लिए बिल्कुल फिट है, ठीक। सब इसलिए नहीं दिए कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो चलो तो अब जो है क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे, ठीक है। इंग्लिश का कौन सा मिला? क्या तुम अंग्रेजी सीखोगे फर्स्ट मिल गया, देख रहे हैं ना। यानी फ्यूचर टाइम की बात की जा रही है, फ्यूचर टाइम में सर्टेनिटी का पता किया जा रहा है। तो जवाब क्या होगा? यस या नो में होता है। तो यहाँ पर अगर यस जवाब देगा यस तो क्या कहेगा? मैं सीखूंगा। नो तो मैं नहीं सीखूंगा। दोनों में जवाब आ सकता है, यस मैं सीखूंगा, नो मैं नहीं सीखूंगा, ठीक है ना। मतलब हाँ मैं सीखूंगा और नहीं मैं नहीं सीखूंगा, यह जवाब आएगा ना। तो अब चलिए, इसलिए इसको क्या कहता है? यसो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन कर लीजिए, ठीक ना। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपका तुम है यानी यू है, तो यू के लिए आप क्या लगाओगे? विल लगाते हो तो विल से ट्रांसलेशन कर लो। विल यू लर्न इंग्लिश? तो फ्यूचर टाइम की सर्टेनिटी का पता करने के लिए क्वेश्चन किया गया, विल यू लर्न इंग्लिश, ओके। अब चलो ये देखिए, अब ये सेकेंड स्ट्रक्चर में आ गया। क्या वह अंग्रेजी सीखती? देखिए सीखती, सीखना से सिख धातु, तो सिख धातु है तो सीख भी दिया और ती जोड़ दिया रिगार्डिंग टू शब्द है। सीखती होगी, हम वो आपको यहां पर फैमिली जेंडर में मान रहा है। तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। तो सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया तो इंग्लिश का तो फर्स्ट ही रहेगा, चाहे आप इसमें चाहे इसमें टाइप के लिए कही है, ठीक। अब वह इंग्लिश क्या होगी? यहाँ पर सी होगी, तो सी के साथ भी विल लगाओगे। तो यहाँ पर क्या किया गया? पास्ट टाइम की प्रोबेबिलिटी का पता, मतलब क्या हुआ अंग्रेजी सीखती होगी, ठीक ना, सीखने का काम करती होगी पहले से, स्टेटमेंट देने के पहले से, ठीक ना भैया। तो ये चीज हुआ। तो अब चलिए, अब यहां पर क्या हुआ? विल सी
learn will she learn English? Okay? अब यहाँ पर थोड़ा सा हम चर्चा कर देंगे, हालांकि ये सब चीजें हम बता चुके हैं ऑलरेडी। सारी चीजें अगर आप सीक्वेंस पढ़ते हो तो आप पहचान जाओगे। यहाँ पर लर्न क्या होगा, यहाँ पर लर्न क्या है, ट्रांसलेट होगा, इंग्लिश का ऑब्जेक्ट, सेम चीज यहाँ पर आएगा, ठीक ना। तो भाई क्या है, ये भाषा विज्ञान है, सिस्टम से आपको पढ़ना होगा। बढ़िया इंग्लिश लेना है तो आप सिस्टम से आइए, सिस्टम से पढ़िए, तभी आप सीख पाओगे। उड़ंतु छाप नहीं और कुदंतु छाप नहीं, ठीक ना भैया। हम भोजपुरी बेल्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए सब हो जाता है, कभी कभी बोल देता हूँ मैं। तो चलते हैं, आप चलिए हम यहाँ की बात करते हैं, थर्ड की और फोर्थ की, ठीक ना। तुम कल क्या करोगे, तुम कल क्या करोगे। अब देखिए, तुम कल क्या करोगे, देखिए करोगे वो आ गया, जब सेकंड पर्सन आएगा तो यहाँ पर ओ आएगा, ठीक ना, धातु प्लस को आएगा, ए नहीं आएगा, करोगे हो जाएगा। ओके, तुम कल क्या करोगे, कौन सा स्ट्रक्चर मिला भैया, या थर्ड वाला मिला। तो यह क्या हुआ, फ्यूचर टाइम की सर्टेनिटी का पता किया जा रहा है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा बताइए, सेकंड स्ट्रक्चर, इंग्लिश का सेकंड स्ट्रक्चर। तो क्या की इंग्लिश हम लिख लेंगे, क्या की इंग्लिश क्या होती है, वाट होती है, ठीक। उसके बाद करता है तुम है, उसके लिए विल आएगा, वाट विल यू डू। अब यहां कल कौन सा है, आने वाला कल है, यानी टुमारो है, तो वाट विल यू डू टुमारो, ये ट्रांसलेशन हो गया, ठीक। अब यहां पर जो वर्ड का प्रयोग किसके लिए होगा, टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए यहां पर वर्ड का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट लगा है। तो जब यहां सब्जेक्ट है तो देखिए, कुछ लोग कमेंट भी किए थे वर्ड में कंफ्यूज होते हैं, वर्ड में पढ़ाया हुआ हूं क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत। तो यहां पर सब्जेक्ट अगर है तो इसकी केस नॉमिनेटिव नहीं होगी, किसके साथ, ट्रस्टी वर्ब के साथ, इंटरेस्टिंग वर्ब के साथ, अर्थात एक्शन वर्ब के साथ। लेकिन लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब कौन सा, टू बी या टू है, तो उसकी केस सदैव नॉमिनेटिव ही रहती है, मैं पढ़ाया हूं। लेकिन क्या है कि आधा अधूरा लोग पढ़ते हैं, बेमतलब का कमेंट कर देते हैं, तो आधा अधूरा पढ़ोगे कमेंट करोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, सीधा सीधा बात, ठीक ना। तो अब चलो, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट का पता करने ही के लिए तो प्रश्न किया गया, तो जवाब क्या देगा, कल मैं क्या करूंगा, तो कल मैं भैया जो भी काम करूंगा उसको बताएगा कि आई शैल डू, ठीक ना जी। अब क्या करेगा, कपड़े साफ करेगा, कपड़ा की धुलाई करेगा, संडे है ना, स्टूडेंट हो ना, तो आई शैल वॉश द क्लोथ्स, ये जवाब दे दिया कि नहीं दिया, तो क्लोथ्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यानी वर्ड के जवाब में ऑब्जेक्ट ही मिलेगा, ठीक है। अब चलिए,
समय क्या करता होगा, तो गेस इन द पास्ट टाइम यानी कहने के समय तो हम पूछ रहे हैं क्या करता होगा यानी क्या कर रहा होगा, कौन सा धंधा पानी हो जो भी हो वो इस समय क्या करता होगा। तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए प्रश्न किया गया, लेकिन ये पास्ट टाइम की बात हो गई, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर क्या, हाँ कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, देखिए फोर्थ में आ गया, वह इस समय क्या करता होगा, मैच करा लीजिए एकदम उठा कर रख दो कोई सेंटेंस, ठीक ना। इस तरह ग्रामर हमें नहीं लगता है कि यूट्यूब पर कोई दे रहा है, ठीक ना। तो इसको उठा करके रख दो सेंटेंस पर, मिल जाएगा स्ट्रक्चर रूप और देख लो क्या प्लस लगा दो, वह प्लस ये देखो करता प्लस अन्य शब्द प्लस प्रश्नवाचक शब्द प्लस धातु प्लस ता प्लस होगा, मिलता चला जा रहा है। तो अब ट्रांसलेशन क्या होगा, वह इस समय क्या करता होगा, तो व्हाट विल ही डू, क्या जी दिस टाइम, ये आपका दिस टाइम क्या हुआ, अदर वर्स कॉम्प्लीमेंट हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। यहां भी ऊपर वाला भी बता देता हूं, ठीक ना, ये ऑब्जेक्टिव केस में है और ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, इसलिए ट्रांसिटिव वर्ब है कि ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए वर्ड लग गया है। और यह आपका हेल्पिंग वर्ब है तो टुमारो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, आपका हेल्पिंग वर्ब मॉडल है और यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कर दिया गया, तो अदर वर्ड्स में ये जो बचा वह कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस तरह से पूरा इंग्लिश का आप पोस्टमार्टम करिए। अब चलते हैं हम जो काल्पनिक तो स्ट्रक्चर है, कौन सा जी, फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी इन दोनों में हम यहाँ संज्ञा लगाते हैं, यहाँ संज्ञा लगा देते हैं। तो चलिए तुम कौन सी नौकरी करोगे, तुम कौन सी नौकरी करोगे। अब इसमें हम चार अन्य शब्द गायब कर दिए, अन्य शब्द गायब कर दिए, ये भी लिख सकते थे कि तुम भविष्य में कौन सी नौकरी करोगे, भविष्य में तुम भविष्य में कौन सी नौकरी, नौकरी यहां दे दिया संज्ञा करोगे, तो हमने अन्य शब्द ड्रॉप कर दिया। तो जरूरी नहीं कि अन्य शब्द रहे, ठीक ना। तो अन्य शब्द का होना जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी चीज का होना जरूरी है। तो यहाँ प्रश्नवाचक शब्द के बाद हमने संज्ञा लिख दिया, देख लीजिए मैच करा लीजिए, तो कौन सी ये है प्रश्नवाचक शब्द आपका, और इसके बाद यहाँ पर हमने संज्ञा लिख दिया, ठीक ना, संज्ञा लिख दिया। तो यह स्ट्रक्चर आपका काल्पनिक जो स्ट्रक्चर हमने कहा है कि बना लीजिएगा, हिंदी का फिफ्थ हो जाएगा, हिंदी का फिफ्थ हो गया, ठीक ना, यहाँ पर संज्ञा लगाते ही मिल गया। अब इसका जो ट्रांसलेशन आप करेंगे तो थर्ड इंग्लिश का थर्ड जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो आप क्या करोगे कि इसकी इंग्लिश लिखोगे, यहाँ पर छटनी नहीं हो रही है, अभी इंग्लिश का प्रयोग हमको बताना है काइंड ऑफ सेंटेंस में, ठीक ना, छटनी होगी तभी इंग्लिश लगेगा। सीधे नौकरी का नाम पूछा जा रहा है, तो नौकरी का नाम पूछा गया तो सीधा सीधा आप क्या करोगे, यहाँ पर व्हाट जॉब लगा दोगे, क्या लगा दोगे, व्हाट जॉब लगा दोगे, ठीक ना, कौन सी नौकरी, तो व्हाट जॉब, ठीक ना, विल यू डू, बन गया ट्रांसलेशन, कुछ नहीं है, व्हाट जॉब विल यू डू, बन गया। अच्छा
देखो हम थोड़ा सा दो सेंटेंस देते हैं, एक पहले समझा देते हैं बिना संज्ञा का, वह क्या पसंद करती होगी। तो उसके पसंद के बारे में पूछा गया, यहां पर कोई संज्ञा नहीं है और न ही यहां पर अन्य शब्द है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर इस सेंटेंस में है, इस स्ट्रक्चर में है, ठीक ना, यहां पर कोई अन्य शब्द नहीं है, सीधे वह क्या पसंद करती होगी। ये देखिए कौन सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपका फोर्थ है, ठीक ना। अब फोर्थ स्ट्रक्चर है तो उसके पसंद के बारे में पूछा जा रहा है, तो कहने के पूर्व से, यानी प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम नहीं है, तो ट्रांसलेशन क्या हो गया, व्हाट हो गया, उसके बाद विल, उसके बाद शी, लाइक, ध्यान दीजिएगा लाइक, वह क्या पसंद करती होगी, व्हाट विल शी लाइक। अब यहां पर जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट ऑलरेडी लगा है, तो ये व्हाट की केस क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव, अर्थात व्हाट का प्रयोग, व्हाट तक तो मैं पढ़ाया हूं, ठीक ना, इसलिए हिज पर मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हिज से भी मैं पढ़ाया नहीं, ठीक ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो व्हाट विल शी लाइक, ठीक ना, वह क्या पसंद करती होगी, तो आंसर में ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्योंकि व्हाट की केस क्या है, ऑब्जेक्टिव है, यानी इसका प्रयोग टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है, ऑब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए। और यहाँ पर आपका ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब है, और ये लाइक जो है आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह का अगर हम लेते हैं, वह कौन सा व्यंजन, ना वह कौन सा, देखिए व्यंजन अगर सही सही हिंदी में लिखेंगे तो आधा यो होगा, ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आजकल क्या है, कंप्यूटर की सुविधा के लिए अनुसार लगा देते हैं, यानी सही व्यंजन ये है, तो वह कौन सा व्यंजन, अब आजकल ये चलने लगा है, ये भी जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूं, ठीक ना भैया, तो हिंदी भी आपको आना चाहिए, वह कौन सा व्यंजन पसंद करती होगी। ये देखिए, तो जो हमने कहा था ना कि आप बना लीजिएगा, इस स्ट्रक्चर में हमने कहा किया वह कौन सा व्यंजन, यहां पर संज्ञा जोड़ दिया, ये जो है व्यंजन आपका संज्ञा हो गया, क्या हो गया, संज्ञा हो गया, इस स्ट्रक्चर में हम संज्ञा, थर्ड वाले में हम जोड़े तो फिफ्थ मिल गया, अब फोर्थ वाले में जो हम जोड़ देंगे संज्ञा, तो ये आपका मिल जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर, सिक्स्थ मिल गया, सिक्स्थ मिल गया। तो इंग्लिश में जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसका आप प्रयोग कर लीजिए, तो बोलिए क्या हो जाएगा, यहां व्यंजन का सीधे नाम पूछा गया, क्या पूछा गया, नाम, तो व्हाट, देखिए यहां पर कौन सा के लिए व्हाट लगा दीजिए, और उसके बाद व्यंजन की इंग्लिश लिख दीजिए, तो व्हाट डिश, व्यंजन के लिए क्या लिखेंगे, व्हाट डिश विल शी लाइक, तो आंसर में उस डिश का नाम आ जाएगा, आंसर में क्या आ जाएगा, डिश का नाम आ जाएगा, या आंसर में नौकरी का नाम आ जाएगा, ठीक ना भैया, तो व्हाट डिश विल शी लाइक, यहां पर हाँ ठीक है, व्हाट डिश विल शी लाइक, ठीक है। तो इस तरह से ये छठा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी तरह से आप फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, ठीक ना, आप बना सकते हो, लेकिन फर्स्ट पर्सन का प्रयोग, देखो
फर्स्ट पर्सन का उपयोग इस स्ट्रक्चर में होगा होगी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि होगा होगी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है। तो अपने बारे में, वक्ता मैं ही हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ, अपने बारे में पास्ट टाइम में हम संभावना को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट टाइम जो गुजरा है मेरे साथ मुझे पता है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा गा गी गे के साथ ही सेंटेंस आप बनाएंगे, यानी इसमें बनेगा और इसमें बनेगा, फिर इसमें संज्ञा लगाकर बन सकता है। लेकिन अगर होगा होगी के साथ बना दिए तो गलत हो, क्योंकि बहुत से जो वीडियो मेकर है, मैं टीचर नहीं कहता हूँ उनको, आता जाता कुछ नहीं, यूट्यूब पर उतर गए हैं, सोच रहे हैं बहुत पैसा कमाने के चक्कर है। अरे भाई देखो, हम लोग को नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं थी। सन 2014-15 में ये क्या रिलायंस ने अपना लॉन्च कर दिया, ठीक है ना, 4G आ गया, लोगों को पता चला, हम लोग ऑफलाइन ही बिजी थे, पता नहीं था मुझे। हमारे छात्र कहते थे कि सर यूट्यूब, मैं तो यूट्यूब का नाम तक नहीं जानता था, इतना बिजी व्यक्ति था और अभी भी हूँ मैं, कि यूट्यूब क्या चीज़ होता है, ठीक ना, ना ही मैं एंड्रॉयड मेरे पास था, ना रखता था, ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं था, पैसा था लेकिन नहीं इंटरेस्ट था। तो अगर मैं उस समय जानकारी होती तो उसी समय 2012-13-14 में ही खरीद लेता और यूट्यूब पर आ जाता, तो आज ये वीडियो मेकर मिलियंस में आ गए हैं ना, ना आ पाते, धक्के की चोट पर कहता हूँ, ठीक ना। लेकिन जब तक मैं शुरू किया उसके बाद भी मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, ठीक ना। 18 मैं दिसंबर में शुरू किया, यानी 19 से आप काउंटिंग कर सकते हो, तो उसमें भी कुछ वीडियो बनाया, फिर 5 महीने का ब्रेक कर दिया, फिर जो है वीडियो बनाया 11 महीने का ब्रेक कर दिया, इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। बाद में समझ में आया कि यूट्यूब से अर्निंग्स तो हो सकती है, लेकिन हम अर्निंग्स के काम के लिए काम नहीं करते हैं, इससे अर्निंग्स जो होगी ना भविष्य में बहुत देर हो चुकी रहेगी, बहुत देर हो चुकी है आज के समय में। उस समय जितने थे वीडियो मेकर कोई था ही नहीं, कोई विकल्प नहीं था, कोई टीचर नहीं था, तो वो लोग बनाए, अब भाई पढ़ने वालों को ज़रूरत थी, क्लिक किए, सब्सक्राइब किए, वो जो भी जरूर जरूर पढ़ाया उनका हाईलाइट हो गया। तो घट तो रहे हैं, मैं रिसर्च करता हूँ देखता हूँ, घट तो रहे हैं, उनके व्यू भी घट रहे हैं। शुरू में वो 2 मिनट 5 मिनट 3 मिनट की वीडियो बनाते थे, अब वो भी लॉन्ग बनाने लगे हैं, समझ रहे ना, तो व्यूअर तो उनके घट रहे हैं, ठीक ना। आने वाले दिन में 2-10 साल हमारे जैसे 2-10 टीचर अगर उतर गए तो वो लोग फ्लॉप हो जाएंगे, काम करके सुन लो, एकदम सच्चाई में बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मेकर का जो क्लास तुम लेते हो ना उससे तुम्हें इंग्लिश नहीं आएगी, ठीक। हाँ, वीडियो मेकर में एक चीज़ तुम सीख सकते हो, स्पोकन इंग्लिश से संबंधित अगर वीडियो है तो उन्होंने जरूर कुछ भी बताया, थोड़ा सा बताया, उससे आप सीख लिए, काम चल गया। लेकिन ये क्या है भैया, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर है, इसमें आपको A to Z एक सीक्वेंस में पढ़ना पड़ेगा, यही मेरा सजेशन है। और एकेडमिक भी पढ़ रहे हो, हाई स्कूल इंटर हो, यहाँ तक कि BA में, MA में तो होता नहीं इंग्लिश लैंग्वेज, पूरा ऑल इंडिया में किसी कोई भी यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर से मास्टर की डिग्री नहीं देती है, हाँ बैचलर की डिग्री देती है, यानी BA में है कुछ यूनिवर्सिटीज में, सब में नहीं, तो उसमें आपको काम करेगा। यानी अच्छा इंग्लिश ग्रामर लेना है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है, यूट्यूब पर हमने देखा है बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं, तो उनकी जो प्लेलिस्ट तक देखा है, कुछ नहीं है यार, एकदम कंगाल हैं, फालतू का बना के रखे हुए हैं, ठीक ना। तो थोड़ा इस चीज़ को आप जानो समझो, यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतने लोग आ गए, हज़ारों में टीचर्स आ गए हैं, अब हाइट बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आप बच्चे हो, नादान हो, आपको समझ में नहीं आता है, टीचर की पहचान नहीं कर पाते हो, क्लिक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दे रहे हो और आप फंस जा रहे हो, मकड़जाल है एकदम यूट्यूब पर, समझ लीजिए वो मकड़जाल है। सही टीचर की पहचान करना बड़ा मुश्किल है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरा ही पढ़ो, मैं तो साफ शब्दों में कहता हूँ, तुम्हें मेरी स्टाइल पसंद है, मेरा पढ़ाना पसंद है, तो पढ़ो,
किसी और का पसंद है तो उसको पढ़ो, लेकिन जो कंप्लीट कोर्स दे रहा है उसी को पढ़ो, बाकी फालतू को छोड़ो, ठीक ना। तो बस अगले क्लास तक के लिए क्या भाई, टाटा बाय बाय, थैंक यू।